कैथल जिले में राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है। पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम मांडी गांवों और शहरों का लगातार दौरा कर रहे हैं। श्याम मांडी ने भाजपा सरकार पर कैथल के विकास में रोड़ा अटकाने, युवाओं को रोजगार न देने और कारोबार को तबाह करने के आरोप लगाए। श्याम मांडी ने कहा कि भाजपा ने अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के साथ धोखा किया है। श्याम मांडी ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के कार्यक्रम पर भी रोशनी डाली। आइए जरा जिला प्रधान श्याम मांडी की यह साउंड बाइट सुन लेते हैं। हमारे बहुत ही सॉलिड मुद्दे हैं, 100% आरक्षण है, 100% हिस्सेदारी है, मजदूर और किसानों को जोड़कर इनकी अलग से पॉलिसी बनाने की नीति है, और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के बारे में हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी है। समान शिक्षा, समान अधिकार, समान रोजगार। जैसे जब बेरोजगार युवा लड़के हैं, जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती, 10,000 रुपये उसको बेरोजगारी भत्ता के रूप में देगी। सर, मुझे तो ये पता भी नहीं था मुझे इतना रिस्पांस मिलेगा। मैंने 45 गांव कवर किए ना, मुझे ही पता है। मैंने इतना प्यार देकर जनता का, मेरे इतना उत्साह है कि मैं आज अगर डिक्लेयर कर दे सीट तो इनको सभी को पछाड़ूंगा। ये जो पार्टियां हैं, कोई भी जो असल मुद्दे हैं उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। जैसे गली है, सीवरेज है, लाइट की व्यवस्था है, रोड है, रोड पे पशु ऐसे ही घूमते रहते हैं, इनकी कोई, इनको सामने को कोई व्यवस्था नहीं है। गली सारी फटी पड़ी है, सीवरेज सारे मुद्दे पड़े हैं, इनको बस अलग से मुद्दे ले रहे हैं। इनका कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। रोजगार दे रही है सर बीजेपी। बीजेपी तो लोगों को अनपढ़ता, अज्ञानता की तरफ धकेल रही है। कोई भी आज तक अपना कैथल में ही देख लियो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया इनके आने के बाद। 6 साल हो गए लगभग, जहाँ पर कैथल था उससे भी ज़्यादा पिछड़ चुका है कैथल। सारा खंडर तो बना दिया इन लोगों ने, कैथल का कोई विकास नहीं हुआ। से मैं व्यापारियों की बात करूं, जब से बीजेपी सरकार आई है, मैं खुद एक, मेरा खुद का मरबल का टाइलों का काम है, लगभग ख़त्म हो चुका है। सभी थाली बैठे हैं, कोई आमदनी का कोई साधन नहीं है। उनको अपने जो वर्कर लगा रखे उनकी भी तनख्वाह निकालनी बड़ी औखी हो रही है। और हम अगर पार्टी अगर हमारी सत्ता में आती है तो एक अलग से इसको कैथल को एक औद्योगिक हब बनाएंगे। कल मेरा कई गाँव में दौरा था लगभग, और वहाँ काफ़ी रिस्पांस है। मैं 8-10 दिन में और लगभग दोबारा से रिवीजन सारा हल्का को कवर कर दूंगा, और शहरों को मैं दिन में कवर कर रहा हूँ। जैसे रात को शाम को प्रोग्राम होते हैं, लोग आते हैं, वहाँ पर गांव में प्रोग्राम होते हैं। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है लोकतंत्र सुरक्षा। वैसे भी राजकुमार सैनी जी हमेशा से दबे कुचले वंचितों की आवाज़ उठाते आए हैं, और वो बड़े अच्छे तरीके से राजकुमार सैनी में अपनी आस्था रखते हैं। जातियों को तो ये इनको यूज़ ही करते हैं। ऐसी समाज की बात लगा लो, आज़ादी के बाद से अब तक कहाँ उनका उठाव हुआ है। आज भी उनको 22-22% आरक्षण है, उनका प्रतिनिधित्व केवल 13-14% ही उनका कोटा पर पाया है। ये तो वैसे ही बस इलेक्शन के टाइम पे उनको यूज़ करते हैं, और यूज़ एंड थ्रो का काम कर रहे हैं ये लोग। और ऐसे ही OBC समाज की बात है, 27% आरक्षण लागू होते हुए भी हम 11-12% पर धकेल दिए हैं। कहाँ है समानता की बात। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संबंध में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।